हाय, वेलकम बैक। तो आज हम आर्क वर्क की सीरीज से हटके कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, काफी इम्पोर्टेंट है ताकि आप आगे उनको इम्प्लीमेंट कर पाओ जल्दी से जल्दी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, पर्टिकुलरली जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होती हैं, उनके लिए कैसे प्रिपरेशन की जाए, कैसे कंटेंट फाइनल किया जाए, कैसे अच्छा स्कोर एग्जाम में लाया जाए, जो टाइम है उसको इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। लास्ट ईयर जो हिमाचल प्रदेश का कमीशन है एचपीपीएससी, उसने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें मैंने अपीयर हुई मैं उस एग्जाम में, और मेरी उस एग्जाम में फर्स्ट रैंक आई। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे मैंने उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की। वो सब डिस्कशन करने से पहले कुछ एग्जाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करने, उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर्म फिल करने के बाद में एचपीपीएससी की एक मेल आई एग्जाम की डेट की इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग। मेल आई 8 मई को कि आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 17 मई को डिसाइड हुआ है। उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज किए गए। तो ये एडमिट कार्ड है, यहाँ पे रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर, नेम वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। इसके बाद ये कंडक्ट हुआ एग्जाम 17 मई को, और ये फाइनल जो मेरिट लिस्ट थी वो एसपीपीएससी ने रिलीज की, जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये मेरा नाम है फर्स्ट रैंक पे, रोल नंबर में मेंशन किया हुआ है। जो मार्क्स थे वो 56.5 थे, और जो फर्स्ट लिस्ट में ये जो आपको नाम दिख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। तो कट ऑफ अगर आप देखें तो काफी कम थी, 40.75, और इसके देखते हुए मेरे मार्क्स यहाँ पे काफी ज्यादा थे। अब हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। इस एग्जाम के लिए मैंने जो बुक्स की थी वो की थी, एक तो गुप्ता एंड गुप्ता जो काफी पॉपुलर बुक है सिविल इंजीनियरिंग की, ये की थी। इसके बाद मैंने एसपीपीएससी एचपीएसएससी के पुराने पेपर्स देखे, जहां से मुझे आइडिया लगा कि यहाँ पे ट्रेंड है कि जो मेडिजी पब्लिकेशन की सिविल इंजीनियरिंग वाली ये बुक आती है 3200 एमसीक्यू की, उसका काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने ये भी कवर की। प्लस इसके साथ में एसएससी जे के प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस कवर किए, और एसपीपीएससी और एसएससी के जो भी लास्ट 5 to 6 ईयर के क्वेश्चंस थे इनको मैंने किया, और इनको मैंने एज ए टेस्ट सीरीज ही अटेम्प्ट किया था। इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज कंटिन्यू की थी काफी 30 डेज तक, ऑलमोस्ट मैंने डेली टेस्ट दिए थे जो, और यहाँ पे मुझे इसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली टेस्ट नहीं अवेलेबल थे। तो मैंने जो एसएससी जेई के जो बाकी एग्जाम्स थे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के टेस्ट हैं वो ही टेस्ट दिए थे। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम के लिए या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपना कंटेंट कैसे डिसाइड करें? तो एक तो आपने देखा होगा कि आप कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स मार्केट में आ रही है, बट आपको बहुत ज्यादा कंटेंट करने की जरूरत नहीं है, जितना करना है उसको अच्छे से करना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको लास्ट 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखना है, जिससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है अभी उस पर्टिकुलर एग्जाम में। आपको जो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका एग्जाम करा रहा है उसने लास्ट 5 to 7 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनको देख के आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन आ रहे हैं वो कौन सी बुक से आ रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में रेयरली होता है कि कोई एग्जाम जो क्वेश्चन फ्रेम करता है, मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो बुक से लिए गए होते हैं। कहीं पे गुप्ता एंड गुप्ता का ट्रेंड है, वो आजकल काफी जगह थोड़ा कम हो गया है क्योंकि रिपीट हो गए बहुत ज्यादा क्वेश्चन। दूसरा, आप जब कंटेंट फाइनल करें क्वेश्चन पेपर देख के, तो वहां पे वेबसाइट भी हो सकती है, ऑनलाइन एग्जाम में आजकल वेबसाइट से भी आ रहा है। जैसे कि ट्रेंड की बात करें तो एसएससी जेई में जब ऑफलाइन एग्जाम होता था उस टाइम क्या पेपर देखो तो गुप्ता एंड गुप्ता का काफी ज्यादा वेटेज था, बट जो ऑनलाइन एग्जाम का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, आर्क वर्क की बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो सारी साइट्स पे मिल जाएंगे आपको, वो सारे क्वेश्चंस हैं वो ऑनलाइन एग्जाम में आने लगे हैं एसएससी जेई में। इनडायरेक्टली तो आर्क वर्क के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, बट वो सेम क्वेश्चंस आपको इंडिया बिक्स वगैरह भी मिलेंगे, 90% क्वेश्चंस हैं वो आर्क वर्क वाले ही हैं, वहां पे उनसे भी काफी ज्यादा पूछा जाता है आजकल रिसेंटली जब से ऑनलाइन का शिफ्ट हुआ है। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है कि अभी रिसेंट क्या ट्रेंड है, और कंटेंट इतना ही रखना है कि इसको 3 या 4 बार रिविजन कर पाओ। बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ कर लिया, अगर रिवीजन नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। आपने एग्जाम से 3 महीने पहले कोई बुक की है और उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिला उसको दोबारा रिवाइज करने का, उसमें जो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें आपको लगी थी उस टाइम वो आपसे एग्जाम में नहीं हो पाएंगे मोस्टली। ऐसे आपने एक बार पढ़ा भी उसको
टाइम गया उसमें आपका और उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाया, इतना ही कंटेंट रखें कि एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवीजन कर पाए और लास्ट के रिवीजन तक आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी प्लान आपने आप सारा एनालिसिस करके डिसाइड किए हैं आप उस पर स्टिक रहो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स आपको बोलेंगे कि मैं तो इस बुक से भी पढ़ रहा हूँ, ये बुक भी कर रहा हूँ, आजकल उसने बोला है इसकी बुक से क्वेश्चन सारे, मैं इसको कर रहा हूँ, तो ये इस टाइप की अप्रोच आपको कहीं भी नहीं ले जाएगी। एट लास्ट आप कुछ भी याद नहीं कर पाओगे जब इतना सारा इधर उधर का पढ़ोगे। तो दूसरे लोगों को देख के कंफ्यूज मत हो, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, दूसरे ने हो सकता है आपने जितना एनालिसिस नहीं किया हो, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। काफी बार स्टूडेंट्स का ये भी अप्रोच रहता है कि थोड़ा दिखाने का ज्यादा रहता है कि मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने उतना पढ़ लिया, तो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को लगता है कि हाँ इसने तो इतना कर लिया, मैं तो कम ही कर रहा हूँ, मैं तो इतना सा कंटेंट ही कर रहा हूँ, तो उसे बिल्कुल भी इफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है कि वो 10 किताबें सारी की सारी कर जाए, और अगर कर ली उसने तो वो सारा नहीं रिकॉल कर पाएगा एग्जाम में। तो आप अपना प्लान जो है उससे स्टिक रहें, इन्फ्लुएंस ना हो दूसरे लोगों से। काफी बार ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मैं तो 3 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, नहीं हो रहा सिलेक्शन। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे, बट हो सकता है वो लोग उतनी सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे जितनी आप लोग कर रहे हो। तो दूसरों को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज और डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपने अपना जो फाइनल किया है वो बहुत सही है, आप सही कर रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैंने बुक्स यहाँ पे मेंशन की हैं, आपने अपना कंटेंट डिसाइड किया जो भी एग्जाम में अपीयर हो रहे उसके अकॉर्डिंग, तो बुक्स को कवर कैसे करना है। तो एक तो जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो बुक्स में, नई कोई बुक है आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए, दो लेवल हो सकते हैं। एक तो ऐसे स्टूडेंट जो जस्ट पास आउट है उन्होंने एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम से क्वेश्चन से बिल्कुल भी डील नहीं किया है, तो वो तो बिल्कुल अपने नोट्स लेके 1 by 1 क्वेश्चन नोट्स की हेल्प से जहां भी दिक्कत आ रही करते जाए। अगर आपने एक बुक पहले की हुई है एमसीक्यू बेस्ड, आप दूसरी कर रहे हो, तो फिर आप क्या करना है आपने कि आपने क्वेश्चन नंबर लिखने और हर एक क्वेश्चन को अपने लेवल पे अटेम्प्ट करना है विदाउट एनी हेल्प। कर लिया अटेम्प्ट, उसको चेक किया, जितने सही हो गए ठीक है, जो गलत हो रहे हैं या जो नहीं हो पाए उनको टिक करना है अपनी बुक में टिक करना है या नोटबुक में नोट करके रख सकते हो, ताकि सेकेंड राउंड में फिर आपने जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट राउंड में हो गए उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। कुछ इजी क्वेश्चन है उनको बार बार पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, आपने अगर फर्स्ट टाइम बिना हेल्प के कर लिया उनको तो आप एग्जाम में भी कर लोगे, इससे आपका सेकेंड राउंड में टाइम काफी बचेगा। और सेकेंड राउंड जब आप कर रहे हो तो यही अप्रोच रखो कि पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, हो सकता है आपने जो फर्स्ट राउंड में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस टिक किए हैं सेकंड राउंड में उससे 20% क्वेश्चंस आपसे हो पाए विदाउट एनी हेल्प, 30% हो रहे कोई इशू नहीं है, हाँ बस करो एक बार उनको ट्राई। इससे क्या होगा, जब आप एक बार ट्राई कर लिया क्वेश्चन को, आपने अपनी तरफ से एफर्ट डाल दिया, इसके बाद आप सोल्यूशन देखोगे आपको अच्छे से याद रहेगा, रादर देन कि आपने सीधा क्वेश्चन देखा सोल्यूशन देख लिया। एक बार पूरा अटेम्प्ट करो। और दूसरा, इस राउंड में कुछ क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम आपको टफ लग रहे थे वो काफी इजी लग रहे हैं आपसे, इजीली हो रहे हैं, तो आप उनको हटा सकते हो अगले रिवीजन के लिए। और मल्टीपल 3-4 रिवीजन तो एटलीस्ट करने ही हैं आपने हर बुक के, और आप खुद डिफरेंस फील करोगे जब आप 4th रिवीजन के राउंड तक पहुंचोगे। हर एक सब्जेक्ट में मुश्किल से आपको 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको मुश्किल लग रहे हैं। पहले बार पढ़ने में चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, क्वेश्चन हैं, नए टॉपिक्स हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट वहां पे आ रहे हैं, पहली बार पढ़ने पे आपको डिफिकल्ट लगेगा, पहली बार जब समझ आएगा दूसरी बार आप खुद से थोड़ा बहुत कर पाओगे, तीसरी बार आप पूरा कर लोगे, चौथी बार आपको इतना आसान लगेगा वो। तो इतने सारे रिवीजन जरूरी हैं और लास्ट के राउंड तक बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए रिवीजन करना। आप 1 वीक में सारे सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो गुप्ता एंड गुप्ता की या किसी भी बुक की, बट हर एक पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना है, हर एक पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की बात हो, जहां पे टाइम सबसे बड़े मैनेजमेंट जो एग्जाम में है वो प्रॉब्लम है कि आपको टाइम लिमिटेड है, आप क्वेश्चंस तो सारे कर सकते हो बट टाइम में आप कितने कर पाते हो, तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। एटलीस्ट जिस भी एग्जाम में अपीयर हो रहे आपके 30 टेस्ट पेपर तो करो, और उन टेस्ट पेपर्स को ऑनेस्टली करो। ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया अपना जितना हो रहा था, छोड़ दिया, टाइम ज्यादा ले लिया, बीच में नोट्स वाली बुक से हेल्प ले ली, ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है यहाँ देख लो, कुछ भी नहीं करना है ऐसा, ऑनेस्ट रहना खुद के साथ। और फाइनल एग्जाम के जैसे उसको अकेले में बैठ के पूरा सोल्व करना है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे,
उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके रखना है, अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे जो आपसे गलत हुए हैं या नहीं हो पाए हैं। अगर कोई ऑफलाइन टेस्ट भी दे रहे हो तो आप नोट करके रख लो, एटलीस्ट 2 से 3 बार उनका भी रिविजन करो, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, और वो क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप कर लोगे आपने रिवीजन किया हुआ है। दूसरा, टेस्ट से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जब पढ़ रहे हो आपको तो नहीं पता चलता आपको कौन से टॉपिक पे अच्छी कमांड है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं, कहाँ गलत हो रहे हैं, तो ये सब पता चलेगा आपको जब आप टेस्ट दोगे। आइडेंटिफाई हो जाएगा आपको कि हाँ ये सब्जेक्ट इतना तो नहीं लग रहा था मुझे टफ, बट हाँ इसके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, ताकि आप उस पर्टिकुलर एरिया पे काम करो। हर टेस्ट के बाद में एक शॉर्ट नोट्स टाइप बनाओ कि हाँ ये टेस्ट है, इसमें इतना स्कोर आया, ये इसमें मिस्टेक हुई, और ये यहाँ पे मेरा वीक एरिया था, क्वेश्चन जो नहीं हो पाए वो इस टॉपिक के नहीं हो पाए, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करो, और नेक्स्ट से नेक्स्ट टेस्ट तक आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, वो एरिया के वीक एरिया जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा, एग्जाम से 5 to 7 days पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, तो जब एडमिट कार्ड आ जाए आपके एग्जाम का, उसके बाद जब आप पढ़ाई करो जो टेस्ट सीरीज में टेस्ट दो, तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने जो टेस्ट का टाइमिंग वही रखना जो आपके एग्जाम का टाइमिंग है। इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया कि बॉडी है वो उस टाइम अलर्ट रहेगी टेस्ट के टाइम ड्यूरेशन में, यूज्ड हो जाएगी उसकी। जैसे कि आपका मॉर्निंग में 8 से 10 का टाइम है, अब कोई स्टूडेंट है जिसकी सुबह लेट से उठने की आदत है, रात में लेट तक पढ़ने की आदत है, और आप एकदम से उसको स्विच करना चाहोगे कि एग्जाम वाले दिन 8 बजे से 10 बजे तक में टेस्ट दे लो, तो आपकी बॉडी उसको यूज टू नहीं हो पाएगी, आपको लैग करोगे आप उसमें कहीं ना कहीं। तो एटलीस्ट एडमिट कार्ड आने के बाद जितने भी दिन बचते हैं उतने दिन आप उस टाइम में टेस्ट दो जिस टाइम में आपका एग्जाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी टाइम आपके पास है, अभी आपको पता चला कि आप 6 महीने बाद कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 1 महीने बाद आपका कोई एग्जाम का डेट आई है कि शेड्यूल आया किस तारीख को एग्जाम होगा, तो उसके लिए जो टाइम बचा है उसको कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाए। तो एक तो हम बात करते हैं कि 6-8 महीने बाद आपका कोई एग्जाम है और आप अभी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपको टॉपिक्स वीक है, जो आपको टफ लग रहे हैं, उनको आप स्टार्टिंग में कर लो या मिडिल में कर लो, लास्ट के लिए उनको कभी भी मत छोड़ो। लास्ट में आप करोगे आप उनको रिविजन नहीं कर पाओगे, आप तो आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लास्ट में करोगे टाइम आपका मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, क्योंकि काफी बार टफ टॉपिक्स में आप जो एक्सपेक्ट करते हो उससे बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इस केस में अगर आपने टाइमली कर लिया तो आपका लास्ट में वो ज्यादा मिसमैनेजमेंट नहीं होगा टाइम का, और जो घबराहट होने लग जाते हैं कि हाँ सिलेबस नहीं हुआ उस वो नहीं फेस करना पड़ेगा आपको। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और एटलीस्ट अगर आपका 1 महीने या 2 महीने पहले एटलीस्ट के एग्जाम के शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जब आप सेकंड राउंड कर रहे हो सब्जेक्ट्स का, एक राउंड आपने कर लिया, सेकंड राउंड जब आप कर रहे हो तो आप शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, जैसे एक सब्जेक्ट के चार पांच पेजेज हो जाए, बट जो भी आपको नया मिल रहा है फॉर्मूले लिख सकते हो, वहां पे रेंज लिख सकते हो, वैल्यूज जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है डिफरेंट होती है जैसे सिविल इंजीनियरिंग में, वो याद रख सकते हो। और स्टूडेंट्स को लगता है कि हैंडबुक है हमारे पास तो हम इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हैंडबुक में मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। एक तो हैंडबुक में जो फॉर्मूले दिए हैं वो सारे फॉर्मूले कोई भी याद नहीं रखता, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े फॉर्मूले भी हैंडबुक में होंगे जो कि एग्जाम में नहीं आते हैं, तो आप पूरी हैंडबुक रिवाइज करने लगोगे तो आपका उनसे भी टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, हर एक स्टूडेंट के वीक एरियाज अलग होते हैं, हर एक स्टूडेंट के अलग वो फॉर्मूले होते हैं जिनको उसको याद करने में दिक्कत होती है। कोई फॉर्मूला है किसी को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपको एक टाइम में याद हो गया, तो आपको अपनी नोटबुक में उसको नहीं रखना, तो वो आपके पर्सनलाइज नोट्स होंगे और लास्ट में रिविजन में वो इतने ज्यादा हेल्पफुल होंगे कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सारा याद हो रहा है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, करते टाइम थोड़ा सा लेजीनेस फील होती है, ऐसे लगता है कि हाँ क्यों कर रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, बट मस्ट है ये चीज सिलेक्शन के लिए, स्पेशली लास्ट में जब सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं, लास्ट में आपको 1 वीक पहले एग्जाम के रिवाइज करना है सारा, तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दूसरा है कि आप जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख रहे हो तो वो सब्जेक्ट्स देखो जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको ज्यादा वेटेज दो। जैसे आप एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एस्टिमेशन पोस्टिंग का वहां पे काफी वेटेज रहता है, तो आप उसको टाइम दो अच्छे से। और काफी सारी ऐसे एग्जाम भी है, ए की भी है, एक ही मोस्टली ऐसे होते हैं जिसमें एस्टिमेशन पोस्टिंग नहीं आता,
तो आप पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि पर्टिकुलर किस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको टाइम ज्यादा दो। कोई ऐसा टॉपिक है जिसे एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको उतना ज्यादा टाइम मत दो। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते होप लूज करने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा, मुझे तो याद नहीं रहेगा, मेरा टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, एग्जाम में इतना कम टाइम बचा है, एकदम से एग्जाम की डेट शीट आ गई, इतने कम टाइम में कैसे करें। तो पॉजिटिव रहना है आपने, अगर आप मैं जो सारी चीजें यहाँ पे बता रही हूँ सारे पॉइंट अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाओ तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। हर स्टूडेंट कैपेबल है, सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ हम उतने ज्यादा कैपेबल नहीं है, ब्रिलियंट नहीं है, बट जैसे आपने देखा होगा एग्जाम स्टोरी सुनी होंगी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बीटेक में इतनी सारी बैक होती है और वो ईएस क्लियर कर देते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ग्रेजुएशन में बिल्कुल पासिंग मार्क्स हैं और उन्हें यूपीएससी का क्वालिफाई कर लिया, एएस में सेलेक्ट हो गए। तो बात इतनी सी होती है कि आप इतना फोकस्ड और पॉजिटिव रह के मेहनत कर पाते हो और सही डायरेक्शन में मेहनत कर पाते हो, हर कोई कर सकता है, बस आपको अपने प्लान से स्टिक रहना है और मल्टीपल रिविजन करने हैं। कोई भी स्टूडेंट इतना ब्रिलियंट नहीं होता कि एक चीज आपने एक बार पढ़ी और वो हमेशा के लिए आपको याद होगी, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। जो एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हैं वो बार बार रिविजन करते हैं तो उनको याद हो जाता है, जो नहीं करते उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता एग्जाम में। पॉजिटिव रहना है, ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हुआ उन्हें थोड़ा पता है कि हमारा तो होना है, जैसे कि मेरे फर्स्ट रैंक है तो ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट थी कि हाँ होगा ही, बट मैंने जो डिसाइड किया था मैं उसको पढ़ते रही। आप लोग लो फील हो रहा है तो भी आपने जो डिसाइड किया वो करते रहो, अगर आप होपलेस हो जाओगे आपका जो एंथुसियाज्म कम हो जाएगा पढ़ने का, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जो जज्बा होता है पढ़ते पढ़ने में कि हाँ ये फटाफट फटाफट करें सारा खत्म, वो नहीं रहेगा तो फिर उतना काम नहीं हो पाएगा जितना आप सोच रहे हो, और आपको नहीं पता आप सिलेक्शन से कितना दूर हो। काफी बार ऐसा होता है कि बहुत क्लोज हैं और पहले गिव अप कर दिया और रह गए, तो पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, हो जाएगा सिलेक्शन। आप ये मानो कि आपने जितना डिसाइड किया है अगर आप उतना सारा कर लोगे, उतने रिविजन्स कर लोगे, उतने टेस्ट दे लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा है कि एग्जाम के टाइम में कैसे मैनेज किया जाए, जो टाइम है उसको कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाए, पीस ऑफ माइंड भी ना डिस्टर्ब हो, पॉजिटिव रहें और वहां पे अटेम्प्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट राउंड में बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन में मत उलझो, बिल्कुल इजी लो फर्स्ट राउंड को, जो जो आपको आसान लग रहे हैं क्वेश्चन बस उनको करो, जो भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है छोड़ो उसको, टिक करके छोड़ो सेकेंड राउंड के लिए। कैलकुलेटिव लग रहे हैं, कोई सिंपल है बट लग रहा है कैलकुलेशन होगी, उसको भी छोड़ो सेकेंड राउंड के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता आगे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप एक टफ क्वेश्चंस में उलझ के रह जाओ। एक बार गो थ्रू होना और फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका फर्स्ट राउंड खत्म होगा उस मोमेंट पे आपके लिए क्या प्लस पॉइंट होगा कि आपने कुछ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं और आपके पास टाइम भी काफी बच रहा है, तो आप सेकेंड राउंड जब करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, ज्यादा मेंटल पीस रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगे, ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं होगी। तो इसको हमेशा इस तरीके से ही करना है, दो राउंड में ही डिवाइड करना है। आप सेकेंड राउंड के बाद चाहो तो थर्ड राउंड दे सकते हो कि ज्यादा टफ वाले हैं उनको भी सेकेंड राउंड में छोड़ दो, उसको भी थर्ड में कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, कोई भी हार्ड क्वेश्चन सोल्व करने से एग्जामिनर इंप्रेस होकर ज्यादा नंबर नहीं देने वाला, हर एक क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है। इंटेलिजेंट वो है जो इजी इजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके कर जाए एग्जाम में, वो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेगा उसका स्कोर ज्यादा आएगा, उसका सिलेक्शन होगा। जो टफ लग रहा है उसको छोड़ते जाओ, इजी लग रहा है उसको करते जाओ, इस तरीके से आपने करना है। और टेस्ट सीरीज आप दोगे तो आप काफी कुछ सारी चीजें सीख जाओगे, ये सारी चीजें आप टेस्ट सीरीज में इम्प्लीमेंट करो तो आपको एग्जाम में अपने आप हो जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप हैबिट बनाओ टेस्ट सीरीज के साथ ही, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो स्पेशली न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं तब तो आपने देखने ही है, सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले ऑप्शंस को देखो एक बार, बस एक बार जस्ट चेक मारा ऑप्शंस पे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा ऑप्शंस कितने क्लोज हैं। अगर बहुत पास पास हैं सारे ऑप्शंस तो आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रखनी है कैलकुलेशन में, इससे आपको ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि काफी बार सिली मिस्टेक होती है कि मिलते जुलते से दो ऑप्शन होते हैं और हम दूसरा टिक कर देते हैं। अगर आपने एक बार नजर मारी ऑप्शन पे तो आपको माइंड में रहेगा कि हाँ दो ऑप्शन सेम है, मुझे ध्यान रखना है। थ्योरी में भी आप कर सकते हो, काफी बार स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते ही टिक कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि उससे ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन कोई आगे था। इसको भी हैबिट बनाओ कि कोई बात नहीं, फर्स्ट आपको पूरा करेक्ट लग रहा है फिर भी आप चारों ऑप्शन पढ़ो उसके बाद टिक करो। तो ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी टेस्ट सीरीज से, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिविजन कैसे किया जाए।
रिवीजन के दो तरीके होते हैं, एक तो वर्टिकल रिवीजन की आपने सोम स्टार्ट किया, चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारा कंप्लीट कर दिया, फिर आपने आरसीसी स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड सारा कंप्लीट कर दिया। ये वर्टिकल रिवीजन ये आपको तब करना है जब अभी आपने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना और एग्जाम है वो 6-8 महीने बाद है, तो ये वाली टेक्निक काम करेगी। लेकिन आपने फर्स्ट राउंड कर लिया, अब आप सेकेंड राउंड कर रहे हो, एग्जाम के पास जा रहे हो धीरे धीरे, उस टाइम आपने जो करना है वो करना है हॉरिजॉन्टल रिवीजन। उसमें कैसे करोगे, थोड़ा सोम किया, थोड़ा आरसीसी किया, थोड़ा स्टील किया, क्योंकि उस टाइम अगर आपने ये वाली अप्रोच रखी ना तो सोम खत्म होकर आरसीसी स्टार्ट होगी, सोम के आप बिल्कुल टच में नहीं हो, कोई क्वेश्चन सोम के नहीं कर रहे हो, कुछ पढ़ नहीं रहे हो, बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगे सोम से, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, फिर लास्ट वाला याद रहेगा। अगर इस अप्रोच से जाओगे, इसमें आप ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर करो, आप ऐसा कर सकते हो 100 क्वेश्चन सोम के कर लिए, 100 आरसीसी के कर लिए, 100 स्टील के कर लिए, तो इससे क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स में एक साथ में टच में रह पाओगे। और ये चीज सेम आपकी होती है जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, जब आप टेस्ट दे रहे हो ना तो आप सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, एक साथ सारे में से गो थ्रू हो रहे हो, तो सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साथ माइंड में याद रहेंगे, रिकॉल कर पाओगे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट टाइम के रिविजन के लिए। और दूसरा, मैंने जो शॉर्ट नोट्स का बताया कि आप अपने एक नोटबुक में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, उन शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करो डेली, एटलीस्ट एग्जाम से 1 महीने पहले आप उसका स्टार्ट कर दो कि आप उसको डेली रिवाइज कर लो, और उसका डे के स्टार्टिंग में रखो उसको, क्योंकि अगर आप बाद का रखोगे टाइम नहीं मिल पाएगा और वो चीज छूट जाएगी, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको चीजें पता है, आपको पता है क्वेश्चन कैसे करना, आप फॉर्मूला नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है एग्जाम में। तो 1 महीने पहले डेली स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में हो सकता है 2 घंटे लगे आपको अपनी नोटबुक रिवाइज करने में, ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ रिविजन बढ़ेंगे आप देखोगे लास्ट तक बहुत कम फॉर्मूले बचे हैं ऐसे जो कि आपको याद नहीं, जो स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किल से याद हो रहे थे वो बार बार पढ़ने से इतने ज्यादा याद हो गए हम। और इसमें जो फॉर्मूले वगैरह हैं उनको आप रादर देन की रीडिंग मारो उनकी, उनकी जस्ट रीड आउट किया उसको, उसके बजाय उनको लिख के देखो, एक तरफ नोटबुक ली, सारे फॉर्मूले वहां लिखने का ट्राई किया, जहां जहां अटक रहे हो वहां अपने अपने जो नोट्स हैं उनकी हेल्प ले ली, तो इससे ज्यादा इफेक्टिवली याद होगा। और इनिशियली टाइम लगेगा आपको, लेकिन एग्जाम से पहले पहुंचते पहुंचते आपको सब कुछ याद हो जाएगा, तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। एक प्रॉब्लम आती है कि रिटेन कैसे करें, इतना सारा इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ में करके जाने हैं तो रिटेन कैसे करें, भूल जाते हैं। तो एक तो जो हम ट्रिक्स बनाते हैं काफी सारी, आप अपने लेवल पे कुछ भी बना सकते हो, जो भी फॉर्मूला आपको डिफिकल्ट लग रहा है आप अपने लेवल पे कुछ भी उसकी ट्रिक बना सकते हो, कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए। आप कंसेप्ट से फॉर्मूला याद रखना चाहोगे, आपको लगेगा कि काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ कंसेप्ट से मैंने पढ़ा हुआ है, मैं डेरिवेशन से याद रख लूं, आप रख सकते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। छोटा फॉर्मूला तो आप कर सकते हो डेरिवेशन से, लेकिन बड़ा है तो आप डायरेक्टली याद रखो, जितनी ज्यादा ट्रिक्स बना सकते हो बनाओ, उतना ही ज्यादा हेल्पफुल है। लगता है कि हाँ ये क्या तरीका है पढ़ने का, ये तो कोई सही तरीका नहीं लगता, बट रिजल्ट ये देता है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में कि आप अपने लेवल पे ट्रिक बनाओ, और जहां पे आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसकी आप अपने लेवल पे ट्रिक बनाओ और उससे याद रखो। मैंने कुछ सॉल्यूशन बनाते टाइम एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि कैसे आप याद रख सकते हो चीजों को। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में अच्छे रिजल्ट मिलने, आप जल्दी से रिकॉल कर पाओ, तो आप थ्योरी पढ़ो ही मत ज्यादा, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्वेश्चन किया उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ ली, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए उससे रिलेटेड पढ़ ली, इसमें क्या होगा कि आपको रिकॉल करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आप उल्टा करोगे कि पहले आपने थ्योरी की उसके बाद आप न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो करने लगोगे, तो उस केस में आपको रिकॉल करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप उस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं रिकॉल कर रहे हो, आपने पूरी थ्योरी पढ़ी हुई उसके पीछे की, उसको रिकॉल कर रहे हो, वो रिकॉल करना डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। करके देखो, आपको इसका इफेक्ट पता चलेगा, रिजल्ट इससे मिलेगा, मे बी आप पढ़ रहे हो थ्योरी, आपको नॉलेज ज्यादा बढ़ रही है आपकी उससे, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो स्कोर अच्छा कर जाता है वही सिलेक्टेड है। तो कन्विंस करो अपने आपको कि ये अप्रोच सही है, आप एक बार करोगे तो आपको इफेक्ट दिखेगा, कि जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जो करते हैं उनके ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। और एक ये भी है कि थ्योरी में तो बहुत कुछ, आप एक बुक उठा के देखोगे, बुक में इतनी अनगिनत चीजें हैं, इतनी अनगिनत टेबल हैं, फॉर्मूले हैं, तो आप क्या क्या याद करो, सारा आपने पढ़ भी लिया
याद भी कर लिया, बट एग्जाम में कैसे रिकॉल करोगे, एग्जाम में याद कैसे करोगे, एंड टाइम पे सारा रिवाइज कैसे करोगे? तो बेस्ट तरीका यही है कि जो क्वेश्चंस में जितना है उससे रिलेटेड जो जो है वो सारा याद कर लो, उतना सफिशियंट है, क्योंकि सारा तो कोई भी याद नहीं कर पाता, तो उतना सफिशियंट है, आप वो सारा याद कर लो जो क्वेश्चन में है, उससे रिलेटेड थ्योरी याद कर लो, रिकॉल करना बहुत आसान रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लगता है क्वेश्चंस में तो इतना सा दिया है, इसके बाहर से पेपर आ गया तो वो बाहर से पेपर आएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, और ऐसा नहीं है कि कोई भी पूरी बुक सारे सब्जेक्ट की बुक्स पूरा डिटेल में पढ़ पा रहा है, कोई भी नहीं कर पाता उतना, तो क्वेश्चंस पे फोकस करो। और कहाँ से आएंगे क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स है उन्हीं से आएंगे, और उन्हीं से एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक डिफरेंट फॉर्मेट में फ्रेम किए जा सकते हैं, और फ्रेम किए भी नहीं जाते मोस्टली, देखो तो आप एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर आपको किसी ना किसी बुक में मिल जाएंगे, एग्जामिनर भी खुद फ्रेम नहीं करना चाहते, तो आप अगर वो कर लोगे अच्छे से कर लोगे, जो बुक्स कर रहे हो उनके क्वेश्चंस अच्छे से कर लोगे, तो ज्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर का पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर का पढ़ोगे जो इम्पोर्टेंट है वो पीछे छूट जाएगा फिर। जैसे कि आपने बिल्डिंग मटेरियल की बुक ली, पूरी थ्योरी पढ़ डाली रट डाली, लेकिन वो इतना रिटेन करोगे तो आप बाकी सब्जेक्ट माइंड से निकल जाएंगे, वो धारा नहीं रिटेन कर पाओगे, तो जितना लिमिटेड है जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रिटेन करो, फालतू का इधर उधर का जिसके बारे में क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में नहीं आते हैं उसको नहीं पढ़ना आपने भी, तो खत्म कर लेक्चर को खत्म करने से पहले एक बार समराइज कर लेते हैं, कंटेंट अपना प्रेसाइज रखना है, फोकस रखना है कि मल्टीपल रिविजन जितना कर रहे हो उतना अच्छा से हो जाए कि उसमें क्वेश्चन आए तो गलत ही ना हो, टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करनी है और वीक एरियाज पे काम करना है, और शॉर्ट नोट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है, अच्छे से बनाना है शॉर्ट नोट्स और रिवाइज करना है, तो ये सारी टेक्निक्स तो मुझे लगा कि आपको फॉलो करनी चाहिए, पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जो मेहनत करते हैं उनका सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं उनका जरूर हो जाता है सिलेक्शन, तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।